नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जेडी इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। अगर आपके भी आईटीआई रूटीन के अंदर भी चल रही है कि आप अभी आईटीआई कर रहे हैं और आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड हम डेली यूट्यूब पर वीडियो डालने वाले हैं एमसीक्यू क्लासेस की, तो आप उन्हें देख सकते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए फिर भी ये बेस्ट रहने वाला है। हम टॉपिक वाइज डेली के रूटीन के अंदर वीडियो डालने वाले हैं, तो अगर आपको ये वीडियो वगैरह अच्छे लगे, क्वेश्चन बढ़िया लगे, तो आप अपने दोस्तों के साथ इन्हें शेयर कर सकते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, टॉपिक है स्टार्ट, पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा सुरक्षा एवं सावधानियों का। तो सुरक्षा एवं सावधानी से आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, और आज का जो अपना पहला क्वेश्चन रहेगा वो है, विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय निम्नलिखित में कौन सी सावधानी रखी जानी चाहिए। यहाँ पे रखी जानी चाहिए था, रखी जानी है, कौन सी सावधानी रखी जानी चाहिए। तो देखिए, जब भी आप विद्युत उपकरणों के साथ उपयोग कर रहे हो तो कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, किसी भी नग्न तार को नहीं पकड़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि विद्युत उपकरण है तो मतलब उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तो नग्न तार को पकड़े हैं तो उससे आपको क्या विद्युत आघात लग सकता है, तो ये नहीं करना चाहिए। केवल नगन तारों के साथ काम करना चाहिए, तो नगन तारों के साथ काम करें तो आपको विद्युत का आघात लग जाएगा। नगन तारों और अन्य तारों के साथ प्रयोग किया जाता है, लेकिन नगन तार को तो काम में नहीं लेना, तो इसको तो काम में नहीं लेना है, और नगन तार को काबू किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। तो आप कैसे काम करेंगे, सावधानी पूर्वक काम करना चाहते हैं तो आपको किसी भी नगन तार को नहीं पकड़ना है वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 2, दुर्घटना पर निम्नलिखित कारकों में से किसके कारण होती है। ये पूछना चाहता है कि दुर्घटना किसकी वजह से हो जाएगी, कि दुर्घटना है जो आमतौर पर किस वजह से होती है। आपने देखा होगा कोई काम कर रहे थे, मशीनरी पर दुर्घटना हो जाती है, तो किस वजह से होती है, पर्यावरण के कारण। नहीं जी, पर्यावरण के कारण कोई दुर्घटना नहीं होती। हाँ होती है, लेकिन वो अपने ऑप्शन के हिसाब से देखना है ऑप्शन कौन सा इसके अंदर बेस्ट रहने वाला है। तो जल प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण के कारण नहीं होती है, मशीन की गलत जानकारी। अब देखिए, मशीन की गलत जानकारी की वजह से कोई भी दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं। अब आपको मशीन की जानकारी नहीं है, या फिर किसी ने आपको जानकारी दी है तो वो गलत जानकारी दी है, तो गलत जानकारी से आप मशीन के साथ काम कर रहे हो तो दुर्घटना होने की संभावना 100% बनी रहती है। तो गलत मशीन की जानकारी के कारण दुर्घटनाएं हो सकती है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमने, क्वेश्चन नंबर 3, सूचनात्मक चिन्ह का आकार कैसा होगा। सूचनात्मक चिन्ह के आकार की बात कर रहा है, तो सूचनात्मक चिन्ह का याद रखिएगा जो आकार होता है वो होता है वर्गाकार। सूचनात्मक चिन्ह का आकार कैसा होगा, वर्गाकार आकार रहने वाला है। अब सूचनात्मक चिन्ह क्या काम करता है, ये सामान्य सुविधा देता है, सूचना देने का काम करता है। और इसका जो पूछा जाए बैकग्राउंड कलर कैसा होता है, तो इसका जो बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड हो जाएगा इसका हरा, यानी कि ग्रीन कलर का बैकग्राउंड होता है। ग्रीन कलर के बैकग्राउंड के ऊपर जो सिंबल होता है, यानी कि चिन्ह, चिन्ह की बात की जाए तो चिन्ह होता है इसके ऊपर सफ़ेद। कैसा सफ़ेद हो जाएगा चिन्ह, कैसा हो जाएगा सफ़ेद चिन्ह रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, खतरनाक चेतावनी के चिन्ह का आकार कैसा होता है। देखिए, खतरनाक चेतावनी का जो चिन्ह होता है, चेतावनी वाला चिन्ह की जब भी बात की जाए तो उसका आकार कैसा हो जाएगा, त्रिभुजाकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, कैसा आकार हो जाएगा उसका, त्रिभुजाकार आकार रहने वाला है। आपने देखा होगा सड़क के ऊपर किसी मोड़ वगैरह पे एक लगा होता है त्रिभुजाकार बोर्ड लगा होता है, जिसका बैकग्राउंड होता है पीले कलर का। इसका अगर बात की जाए, चेतावनी चिन्ह के बैकग्राउंड की बात की जाए अपने पास, बैकग्राउंड कैसा होगा, पीला बैकग्राउंड हो जाएगा इसका, पीला हो जाएगा। पीले बैकग्राउंड के ऊपर काला चिन्ह होता है, चिन्ह की बात की जाए तो चिन्ह कैसा हो जाएगा, काला चिन्ह होगा इसका, काले रंग का इसका चिन्ह होता है। आपने देखा हो सड़कों पर आम ही लगी होती हैं, ये बोर्ड त्रिभुजाकार आकृति के अंदर होती हैं। तो बात की जाए अपने चेतावनी चिन्ह की, तो चेतावनी चिन्ह त्रिभुजाकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी। देखिए, लाल रंग का बॉर्डर और लाल रंग की क्रॉस पट्टी कौन से चिन्ह के अंदर होती है। तो जो निषेधात्मक चिन्ह होता है, कौन सा चिन्ह होगा अपने पास, निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह के ऊपर क्या होता है कि जो बैकग्राउंड होता है वो सफेद कलर का हो जाएगा। बैकग्राउंड किस कलर का होगा, सफेद कलर का बैकग्राउंड हो जाएगा, बैकग्राउंड होगा सफेद। सफेद कलर के बैकग्राउंड के ऊपर काला चिन्ह होगा, सिंबल की बात की जाए कैसे कलर में होगा, काला चिन्ह। अब इस काले चिन्ह के ऊपर ये कुछ इस तरह से होगा, गोलाकार होता है, गोलाकार जो इसका ये बॉर्डर रहते बॉर्डर रहने वाला है, जो बैकग्राउंड के पीछे का धरातल हो जाता है, इसके ऊपर ये कोई भी जस्ट चिन्ह आ गया। अभी ये जो बैकग्राउंड और चिन्ह है, इसके अलावा इसके ऊपर देखोगे तो आप, ये होता है एक बॉर्डर होता है, ये जो बॉर्डर होता है ये किस कलर का होता है, लाल रंग का। बॉर्डर किस कलर का होगा, लाल रंग का। इसके ऊपर एक क्रॉस लगा होता है, क्रॉस लगा निशान होता है, जो किस कलर की होती है, क्रॉस की लाइन भी लाल रंग की होती है। निषेधात्मक चिन्ह का मतलब होता है कि ये काम आपको नहीं करना, न करने की सलाह दी जाती है निषेधात्मक चिन्ह के अंदर। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 में अपने से पूछ रहा है सुरक्षा मानकों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। सुरक्षा मानकों के संबंध में अपने से पूछ रहा है ई एस पत्ती पूछ रहा है, कौन सी पत्ती है? तो 5S पत्ती होती है, 5E पत्ती। कौन सी पत्ती है? 5E पत्ती रहने वाली है। 5E पत्ती के अंदर क्या होता है तो वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, क्योंकि इसके आगे भी क्वेश्चन आएंगे तो वो अपने क्वेश्चनों के अंदर आगे चलकर देखने वाले हैं। तो जब भी पूछा जाए तो कौन सी पत्ती होगी, 5E पत्ती होती है। 4E पत्ती नहीं होती, 2E पत्ती नहीं होती और 1E पत्ती नहीं होती, 5E पत्ती होती। 5E के अंदर 5 वर्ड लिखे जाते हैं जो कि शुरुआत इनकी ई से ही होने वाली, इसलिए इसे 5E पत्ती कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7। सेफ्टी मानदंडों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक सेफ्टी गैजेट नहीं है। देखिए सेफ्टी गैजेट के मतलब हो गया कि कौन सा उपकरण जो सेफ्टी के काम नहीं आता है। तो स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर को काम क्या लेते हैं अपने, स्क्रू खोलने काम में लेते हैं, तो स्क्रू ड्राइवर कोई सेफ्टी गैजेट नहीं है। जबकि सेफ्टी बेल्ट सेफ्टी गैजेट है। जब भी कोई ऊंचाई वाली जगह पर अपने काम कर रहे होते हैं तो एक पट्टा बांध कर रखते हैं जिसे सेफ्टी बेल्ट कहते हैं, एक बेल्ट बांध कर रखते हैं कमर के साथ और ऊंचाई पर, ताकि अपना हाथ वगैरह फिसल भी जाए ऊंचाई से तो ज़मीन पर न गिरें। दूसरा होता है सेफ्टी शूज़। सेफ्टी शूज़ का मतलब हो गया कि जूते हो गए, कि कोई भी अगर चीज़ पैरों के ऊपर गिरे, कोई सामान गिर रहा है तो पैरों को नुकसान हो तो सेफ्टी शूज़ हो जाएंगे। हैंड ग्लव्स जो हाथ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अपने। अभी क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखेंगे कि अपने से पूछ रहे हैं रेत से भरी बाल्टियाँ आमतौर पर किससे लगी आग के लिए अग्निशमन माध्यम के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं, कि विद्युतिक उपकरणों में लगे आग को बुझाने के लिए अपने किस प्रकार का काम में लेते हैं। तो रेत से भरी बाल्टियों को काम में लिया जाता है। तो इसमें देखिए विद्युत उपकरण है क्या कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपना राइट आंसर। इनकी पूछी जाती है श्रेणी। देखिए जो एलपीजी गैस आती है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो एलपीजी आएगी श्रेणी सी के अंदर। आग को श्रेणियों के अंदर बांटा गया है, ए बी सी डी ई और एफ श्रेणी के अंदर विभाजित किया गया है। तो एलपीजी आती है सी श्रेणी के अंदर। डीजल पेट्रोलियम से लगी हुई आग को श्रेणी बी में रखा गया है। बिजली उपकरणों से लगी आग को श्रेणी ई के अंदर रखा गया है। खाद्य पदार्थों में लगी हुई आग को श्रेणी एफ में रखा गया है। ए श्रेणी के अंदर लकड़ी, कागज और कपड़े में जो आग लगी जाती है उनको ए श्रेणी के अंदर रखा गया है। और डी श्रेणी के अंदर धात्विक उपकरणों में लगी हुई आग को रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से किस प्रकार की आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग कभी नहीं किया जाना चाहिए। देखिए पानी से आग बुझाने के लिए एक तो ये पता होना चाहिए कौन से क्या आग बुझा सकते हैं। तो ए श्रेणी की आग को अपने पानी से बुझा सकते हैं, ए श्रेणी की आग को पानी से बुझा सकते हैं। अब कौन सी को नहीं बुझाना चाहिए, तो एक विद्युत उपकरणों में जो आग लगती है उसको नहीं बुझाना चाहिए। एक तो जो विद्युत उपकरणों में आग लगी है उसको नहीं बुझाना चाहिए। धात्विक उपकरणों में आग लगी है उसको नहीं बुझाना चाहिए। दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा जो गैस के अंदर आग लग रही है उसको पानी से नहीं बुझा सकते, अपने जल से नहीं बुझा सकते हैं ना। तो इसमें ये तो पूछ रहा है पानी से, तो पानी से तो अपने पेट्रोल डीजल में, गैस में लगी हुई, धात्विक में और विद्युत उपकरणों में लगी हुई आग को अपने जल से नहीं बुझा सकते हैं। तो कौन कौन से नहीं बुझा सकते हैं, तो बी और डी को नहीं बुझा सकते हैं। कौन सा हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी और डी। देखिए ए को तो अपने बुझा सकते हैं, लकड़ी कागज कपड़े में आग लगने वाली है तो इसको बुझा सकते हैं, इसमें ए को बुझा सकते हैं, लेकिन ना तो बी को बुझा सकते हैं और ना डी को बुझा सकते हैं। डी तो होती है धात्विक उपकरणों में लगी हुई आग, बी होती है पेट्रोल डीजल केरोसिन से लगी हुई आग, तो इनको अपने नहीं बुझा सकते। ऑप्शन नंबर सी अपना सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10। यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो चुका है विद्युत का आघात लगने से या फिर जैसे भी, तो सबसे पहले उसका क्या चेक करना चाहिए, कि व्यक्ति के सबसन की जांच करनी चाहिए, जी करनी चाहिए। व्यक्ति की नाड़ी की जांच करनी चाहिए, जी करनी चाहिए। व्यक्ति को लगी चोट की जांच करनी चाहिए, जी करनी चाहिए। व्यक्ति के रक्तचाप की जांच करनी चाहिए, जी करनी चाहिए। ये सभी काम करने चाहिए, लेकिन ये पूछ रहा है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले उसके श्वास देखेंगे, श्वास उसके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, ये श्वास से पता चलेगा व्यक्ति बेहोश है या फिर मृत्यु को धारण कर चुका है। तो इससे अपने पता लगाएंगे व्यक्ति के श्वसन की जांच की जाती है। अगर व्यक्ति के सांस नहीं चल रहे हैं तो उसे अपने कृत्रिम श्वसन विधियों से श्वसन देने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में अपने पूछ रहा है पीपीई का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। तो पीपीई का पूर्ण रूप होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इसका पूर्ण रूप होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 में अपने बोल रहा है, विद्युत से उत्पन्न आग के कारण है, ये आपके नहीं है, ये आग है, विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन से अग्निशमन प्रयोग नहीं करने चाहिए। यानी कि विद्युतिक उपकरणों में कोई आग लगी है तो कौन सा काम नहीं लेंगे। तो एक तो देखिए जल वाला काम में नहीं लेना होता है। यहाँ पर जिन अग्निशमकों के अंदर नमी होती है उनको अपने विद्युतिक आग बुझाने के लिए काम में नहीं लेते। और कौन सा हो जाएगा, जाग प्रकार का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जाग प्रकार का। कौन से काम ले सकते हैं, कार्बन टेट्रा प्रकार का काम में ले सकते हैं अपने, इसे बोलते हैं सी टी सी। रेत से भरी बाल्टियां तो रेत भी अपने काम में ले सकते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड अपने काम में ले लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड भी अपने काम में ले सकते हैं CO2, इनको भी अपने विद्युत में लगी आग को बुझाने के लिए काम में ले सकते हैं। लेकिन कौन सा काम में नहीं लेना, तो जाग प्रकार का अपने काम में नहीं ले सकते। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा जाग प्रकार का, ऑप्शन नंबर बी। अपने पूछ रहा है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा 5S प्रणाली का भाग नहीं है। तो देखिए 5S प्रणाली का भाग नहीं है, ये पता लगाने के लिए सबसे पहले तो अपने ये पता होना चाहिए कि 5S प्रणाली के अंदर कौन कौन से भाग आते हैं। तो 5S प्रणाली के अंदर जो सबसे पहला आता है वो होता है सोल्ट, SHORT सबसे पहले आएगा इसके अंदर। सोल्ट पहला नंबर पे सोल्ट आता है, दूसरे पे आता है सेट इन ऑर्डर, दूसरे पे आएगा सेट इन ऑर्डर, तीसरे नंबर पे आता है साइन, तीसरे पे कौन आता है, साइन आता है, तीसरे पे साइन आएगा, चौथे नंबर पे आता है यानी कि फोर्थ नंबर पे आता है इसके अंदर स्टैंडर्डाइज यानी कि मानकीकरण, पांच नंबर पे इस पे आता है सस्टेन। तो इसके अंदर देख लीजिए कौन सा इन पांचों में से सम्मिलित नहीं है। तो सस्टेन है, शॉर्ट है, साइन है, लेकिन स्वेप 5S प्रणाली के अंदर नहीं आता। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा स्वेप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में अपने से बोल रहा है, बिना किसी हानि के मानव अधिकतम कितनी धारा को सहन कर सकता है। बिना किसी हानि के मानव अधिकतम कितनी धारा को सहन कर सकता है। तो बिना किसी हानि के मानव अधिकतम 15 mA को सहन कर सकता है, 15 mA को सहन कर सकता है। इससे ऊपर अपने जाएंगे तो 5 mA पर व्यक्ति को महसूस होने लग जाता है झटका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नांकित में से कौन सा आग का कारण नहीं है। किसके वजह से आग नहीं लग सकती, तो ये अपने बताने, फ्यूज की गलत रेटिंग से आग लग सकती है क्या। जी लग सकती है, अगर फ्यूज आपने बड़ा लगा दिया और मशीन ओवरलोड हो रही थी तो मशीन की वाइंडिंग जल जाएगी, जलने से क्या हो जाएगा, आग लगने का खतरा रहेगा। तो ये गलत हो जाएगा, फ्यूज की रेटिंग से आग लग जाएगी। डिले कनेक्शन, तो डिले कनेक्शनों की वजह से स्पार्किंग होती है, स्पार्किंग की वजह से आग लगने का खतरा बना रहता है। लाइन व न्यूट्रल के बीच क्षतिग्रस्त इंसुलेशन, देखिए जब इंसुलेशन ही अपना लीक हो जाता है, मतलब क्षतिग्रस्त हो जाता है, लीक हो जाता है, तब लाइन और न्यूट्रल का शॉर्ट होने का खतरा बना रहता है, जिसकी वजह से आग लगने का खतरा होता है। तीन फेज मोटर में रिवर्स कनेक्शन, देखिए रिवर्स कनेक्शन हो जाएंगे तो मोटर उल्टा घूमना स्टार्ट कर देगी लेकिन आग नहीं लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन फेज मोटर के अंदर रिवर्स कनेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 16, आज अपने 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है अपने पास, सामान्य आयु और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। देखिए सामान्य आयु और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का अगर प्रतिरोध की बात की जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा 1 kΩ, कितना हो जाएगा 1 kΩ, अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है, दिष्ट विद्युत धारा की किस सीमा में मानव श्वसन तंत्र अवरुद्ध हो जाएगा। दिष्ट धारा की बात कर रहा है, दिष्ट धारा की किस सीमा में मानव श्वसन तंत्र अवरुद्ध हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, 80 से 160 मिली एम्पियर पर मानव शरीर का श्वसन तंत्र अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विद्युतीय दुर्घटना को रोक सकने वाली एक सुरक्षित कार्य प्रक्रिया नहीं है। कि कोई दुर्घटना है उसको रोक सकने के इनमें एक प्रक्रिया जो नहीं है, तीन ऐसी प्रक्रियाएं जिनसे दुर्घटना रोका जा सकता है। तो उपयुक्त सुरक्षा उपकरणों के उपयोग की उपेक्षा करके, देखिए उपेक्षा का मतलब यहाँ पर क्या होता है, उपेक्षा का मतलब होता है कि उनको उपयोग में न लेकर उनको छोड़ देना, उनको धिक्कार देना, उनको छोड़ देना, उनका उपयोग नहीं लेना। तो जब सुरक्षा उपकरणों को उपयोग नहीं लोगे तो उससे तो दुर्घटना होगी ही होगी। तो इसने ये पूछा है रोक सकने का कारण कौन नहीं है, तो एक तो ये कारण हो सकता है कि ये अगर आप उपेक्षा करते हो तो दुर्घटना होने के 100% चांस बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है, एनर्जेटिक लाइनों के पास कार्य करते समय सावधानी बरतना। हाँ जी, जब लाइन चार्ज होए, एनर्जाइज है यानी कि चार्ज लाइन है, उनके पास जब काम करें तो सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उन लाइनों के संपर्क में आते हैं तो आपको विद्युत झटका लग सकता है।
सी ऑप्शन बोल रहे हैं, निरीक्षण या मरम्मत करने से पहले विद्युत उपकरणों को निराविष्ट करना। जी हाँ, डिस्चार्ज कर लें तो सबसे बढ़िया रहता है। डी ऑप्शन बोल रहा है, बिजली के उपकरणों की उचित देखभाल करना। बिजली के उपकरणों उचित देखभाल करते रहेंगे तो उनमें किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न नहीं होगा, जिससे दुर्घटना नहीं होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हम निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा दुर्घटनाओं से बच सकते हैं? दुर्घटनाओं से बचने के पूछ रहा है, तो सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करके। जी हाँ, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करके हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। पुरानी अप्रचलित वीडियो का प्रयोग करके या फिर पद्धतियों का प्रयोग करके। नहीं जी, पुरानी अप्रचलित जो पद्धतियां थी वो अप्रचलित हैं, तो उनको अपने प्रयोग करके दुर्घटनाओं से नहीं बच सकते। कार्य विशेष मशीन तथा कार्य स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करके। जी हाँ, इससे अपने बच सकते हैं। व्यक्तिगत उपायों का पालन करके, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करके तो अपने बच सकते हैं। दूसरा, इनमें और कौन सा हो सकता है? और हो सकता है कार्य विशेष मशीन तथा कार्य स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करके। कि अपने को कार्य स्थान का पता होना चाहिए, कैसा स्थान है पता होना चाहिए, मशीन कैसी है पता होना चाहिए, कि सुरक्षा के नियम क्या क्या रहेंगे पता होना चाहिए, कि मशीन किस काम में आती है। जब अपने को इन सभी चीज़ों का पता होता है तो दुर्घटना होने की कोई भी चांस बचते नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रह जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपने 20। आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि विद्युत कार्य के किस प्रकार के जूते प्रयोग किए जाते हैं। विद्युत का कार्य कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हो, तो उनमें किस प्रकार के जूते पहने होने चाहिए? चमड़े के सोल वाले कपड़े के जूते, ठीक है, रबर सोल वाले कपड़े के जूते, मोटे रबर सोल वाले चमड़े के जूते। इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, कि जो जूतों का सोल होता है वो रबड़ का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? रबर का होना चाहिए, क्योंकि चमड़े का अगर सोल आप काम में लेते हैं तो चमड़ा नमी पकड़कर चालक बन जाता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाए? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आज से अपने 20 क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।